आर्टिस्ट की जरूरत है। आर्टिस्ट बनने के चक्कर में कहीं हम आज अपने पूरे देश को खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं? जहां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, आज FICN यानी कि फेक इंडियन करेंसी नोट पूरे भारत की इकोनॉमी को अपने ग्रस्त में डाल चुका है, और हो सकता है कि आपके और मेरे जेब में जो पैसा है उसमें से कुछ करेंसी फेक है। NCRB का डेटा यह खुलासा करता है कि 2016 से अब तक लगभग 245 करोड़ वैल्यू के फेक करेंसी नोट्स पूरे भारत से सीज किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, RBI का एनुअल रिपोर्ट यह खुलासा करता है कि 2000 के डिनोमिनेशन के लगभग 13,000 से भी ज्यादा और 500 डिनोमिनेशन के 79,000 से भी ज्यादा फेक करेंसी के पीसेस पूरे भारत से सीज किए गए हैं। लेकिन मामला बहुत संगीन है, तो इससे नुकसान क्या है? इकोनॉमिक एंगल से देखें तो पूरे भारत का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यह तबाह कर सकता है। दूसरा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है यानी कि महंगाई दर बहुत हद तक बढ़ सकती है। और तीसरा, इससे टेरर फाइनेंसिंग भी होता है। तो ये आपका और हमारा कर्तव्य है कि इसे रोकने में हम मदद करें, और कहीं ना कहीं लॉ भी इसी पर बात पर फोकस करता है, क्योंकि सेक्शन 489 का ए से लेकर ई तक फेक इंडियन करेंसी का बनाना, प्रोपागेट करना या किसी भी तरह का ऐसा व्यापार को रोकता है, और इससे मैक्सिमम 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। इतना ही नहीं, UPA एक्ट इसे एक टेरर एक्ट करता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और सॉल्यूशंस के लिए बने रहिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं सॉल्यूशंस की बात करने जा रहा हूँ।